हेलो लर्नर्स वेलकम टू आवर चैनल आज का जो हमारा पी वाई क्यू है ये 2021 का है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है कैच मैपिंग का पेजिंग का ठीक है सो लेट स्टार्ट कंसीडर आ मशीन विद 16 जीबी मशीन क्या है मशीन लाइक अ कंप्यूटर कंप्यूटर भी तो एक मशीन है, है जिसमें क्या है सिक्सटीन जी मेन मेमोरी है यानी रैम है है ना आप इसे है ना ये भी कह सकते हो क्या कह सकते हो फिजिकल मेमोरी क्या कह सकते हो फिजिकल मेमोरी एंड थर्टी टू बिट विचुअल एड्रेस स्पेस विचुअल एड्रेस स्पेस इज वाट सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ठीक है सेकेंडरी मेमोरी विद पेज साइज अब पेज साइज क्या है देखिए दिस इज वाट मेमोरी दिस इज वट मेमोरी अब हमें क्या होता है कि ये सेकेंडरी मेमोरी है यानी वर्चुअल मेमोरी है एंड दिस इज़ व्हाट मेन मेमोरी अब हमें क्या करना होता है जब डेटा लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एग्जांपल ये मशीन है ठीक है कंप्यूटर मशीन है अब हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम फैच करना है ठीक है जब प्रोसेस होता है तो सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से लोडिंग होती है लोडिंग होती है वहाँ पे मेन मेमोरी में डेटा आता है ठीक है सारा अब मेन मेमोरी से जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी हो जाती है तो यहाँ पे बूटिंग वगैरह होती है एंड देन आफ्टर डिस्प्ले करते हैं तो प्रोसेस तो सारा सीपीयू में होता है मेमोरी के थ्रू होता है है ना तो यहाँ पे क्या है हर एक का जो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना प्रोसेस वो क्या होता है हर एक में पेज गिवन होते हैं हर एक के क्या गिवन होते हैं पेज गिवन होते हैं वो पेज हमारे आ, उसके अंदर डेटा होता है हर एक पेज में अपना एक डेटा होता है ठीक है तो जो ये पेज डेटा होते हैं इसे ऑफसेट भी आप बोलते हैं एंड फ्रेम ऑफसेट हो गया पेज इक्वल टू द फ्रेम साइज पेज साइज इक्वल टू द फ्रेम साइज जो इधर होता है ये फ्रेम हो जाता है और यहाँ पे जो होता है ये पेजेस कहलाते हैं विर्चुअल एड्रेस में तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी जानना होता है कि सिक्सटीन जी बी इज्कवल टू हाउ मैनी बिट हाउ मैनी बिट तो वो कैसे निकालते हैं वी वेल ऑलरेडी नो देट दन के बी इज इक्वल टू वट टू की पावर टेन बिट टू की पावर में कंसिडर करते हैं ना वन एम बी इज इक्वल टू वट टू की पावर ट्वेंटी बिट एंड वन जी बी इज इक्वल टू वाट टू की पावर थर्टी बिट क्लियर तो यहाँ पर यहाँ पर सिक्सटीन जी को बिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे टू की पावर फोर इन टू की पावर थर्टी इज इक्वल टू थर्टी फोर बिट क्लियर थर्टी टू बिट ऑलरेडी हमें व्यूचुअल एड्रेस में गिवन है थर्टी टू बिट है तो हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ठीक है थर्टी टू बिट है और पेज साइज हमें गिवन है पेज साइज हमें गिवन है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बिट में तो हाउ कैन वी बिट हाउ कैन वी कैलकुलेट इन टू की पावर ट्वेल्व बिट टू की पावर टेन हाउ कैन वन के बी इक्वल टू द टू की पावर टेन बिट क्लियर सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द क्वेश्चन ये बेसिक था जो मैंने अभी तक आपको बताया था ये बेस आपको जानना जरूरी होता है कैच मैपिंग में चलिए क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज ऑफ बिट नीडेड फॉर द फिजिकल एड्रेस सिंपल क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ द फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस वी वेल ऑल ऑल नो दैट व्हाट थर्टी फोर बिट थर्टी फोर बिट हम ऑलरेडी निकाल चुके ट so ये गलत है आंसर इज वट थर्टी फोर बीट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वट इज द साइज ऑफ द पेज टेबल ऑफ फोर हैंडलिंग द गि विचुअल एड्रेस पेस गिवन दी इज द साइज ऑफ टू बाइट देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दिस इज व्हाट विचुअल एड्रेस स्पेस दिस इज व्हाट विचुअल एड्रेस स्पेस हाउ मैनी थर्टी टू बिट सो दिस इज एक मिनट रुक जाइए दिस इज व्हाट थर्टी टू बिट ठीक है दिस इज व्हाट आई मेड वट आई मेक आई क्रिएट अ टेबल एंड ईच हैज अ पेजिस देर इज़ द डेटा ऑफ कितना डेटा आ सकता है एक पेज में फोर के भी कितने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस है वन टू थ्री फोर कितने पेजेस हमारे होने चाहिए डिपेंड करता है साइज ऑफ़ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस सो हाउ कैन नंबर ऑफ़ द पेजेस नंबर ऑफ़ पेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ पेजेस हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय द व्हाट पेज साइज पेज साइज सो व्हाट टू की पावर थर्टी टू डिवाइड बाय टू की पावर ट्वेल्व बिट हम ऑलरेडी से कैलकुलेट कर चुके थे सो आंसर इज व्हाट टू की पावर थर्टी टू माइनस टू की पावर ट्वेल्व सो ट्वेंटी बिट टू की पावर ट्वेंटी सो so, आप यहाँ पे क्या इतने पेजेस कहोगे आप कहेंगे कि यहाँ पे कितने पेजेस हैं ट्वेंटी पेजेस हैं वन टू ट्वेंटी पेजेस क्लियर अब हमें क्या निकालना है वट इज द साइज ऑफ द पेज टेबल पेज टेबल का साइज हमें निकालना है ठीक है अभी तक हमने क्या निकाला था अभी तक हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल मेमोरी है वो थर्टी टू बिट की है और उस मेमोरी में जो पेजेस हैं वो ट्वेंटी पेजेस हैं और हर एक पेज में चार के बी का डेटा यानी ट्वेल्व बिट का डेटा हम डाल सकते हैं अब ये कह रहे हैं कि वट इज़ साइज ऑफ द पेज टेबल सो दिस इज द पेज टेबल ठीक है अब यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं इस पेज में जो डेटा होता है तो जब हम एंट्री करते हैं ना तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं जैसे हम एंट्री करते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस चलता है ठीक है कि डेटा हम कितना स्टोर कर रहे हैं कितना ऑलरेडी इसमें मतलब यहाँ पे टोटल जो डेटा होता है ना उसके उसमें भी टेबल्स बन जाती हैं ठीक है थीके? तो वो चीज़ बता रहे हैं तो एंट्री टेबल एंट्री का जो साइज है वो टू बाइट का है तो जब हम पेज साइज ऑफ द पेज टेबल की बात करते हैं ना पेज टेबल की तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ द पेजेस नंबर ऑफ द पेजेस इज वट ट्वेंटी इनटू व्हाट जो हमें साइज एंट्री गिवन होता है तो मैं इसे टू की पावर लिख दू ठीक है सो so ये टू की पावर वन कैलकुलेट होगा ये कितना कैलकुलेट होगा टू की पावर वन ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बिट यानी वन बिट कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे ट्वेंटी वन बिट आपका आंसर आ जाएगा जब ट्वेंटी वन बिट है अब यहाँ पे तो ट्वेंटी वन गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे अभी हमने सीखा ही था सीखा था ना हमने क्या सीखा था टू की पावर ट्वेंटी इक्वल टू वन एम बी है ना वन एम बी और यहाँ पे वन ऑलरेडी है तो आप इसे टू एम बी राइट कर सकते हैं सो so, टू की पावर ट्वेंटी वन इक्वल टू वट टू एम बी सो आंसर इज वट टू एम बी क्लियर समझ में आया है? जो पेज एंट्री है दिस इज द वन पेज और इस पेज में भी कुछ एंट्रीज होती हैं दिस वन तो उन्होंने यही पूछे साइज ऑफ द पेज टेबल उसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड

तो ये भी हमने अभी कंसीडर किया था अभी हमने कैलकुलेट किया था ट्वेल्व ठीक है हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे कंसीडर द मशीन चलो ये तो क्वेश्चन था क्वेश्चन रीड करते हैं इफ़ अ प्रोसेस ऑफ साइज थर्टी टू के बी ठीक है प्रोसेस ऑफ साइज टू बी एग्जीक्यूट ऑन दिस मशीन ये के बी है ना थर्टी फोर के बी है थर्टी फोर के बी को हम कैलकुलेट कर लेंगे बिट में जरूरी नहीं है इसको इतना ही रहने देंगे दैट विल बी द द साइज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस प्रोसेस देखिए ये क्या बात कर रहा है दिस इज वट दिस इज हमने कहा था कि दिस इज द दर्चुअल एड्रेस पेस या मेन मेमोरी जो भी है दिस इज द पेज टेबल ठीक है ना ये दिस इज द दट दिस इज द मेमोरी दिस इज वट मेमोरी मेन मेमोरी चलो मैं राइट कर देती हूँ कुछ भी आप राइट कर लो ठीक है तो यहाँ पे जो बात हो रही है केवल इस एक पेज के बारे में बात हो रही है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है पेज टेबल का पेज टेबल में पेज टेबल का साइज कितना नहीं सॉरी पेज का साइज कितना है फोर के भी पेज का साइज हमें गिवन है तो अभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है मान लो हमने फोर के बी का डेटा है मान लो ये हमारे पास जो पेज है एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसमें हमारे पास वन ट्वेंटी का हम इसमें वन ट्वेंटी के जी का कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसमें मैंने स्टोर कर दिया नाइन्टी के जी का सामान तो जो रिमेनिंग थर्टी के बी रह गया ना थर्टी के बी तो ये जो थर्टी के बी रह गया ना इसे कहेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन अनयूज्ड अनयूज ठीक है अनयूज तो वो पूछा हुआ है कितना इसमें अगर हमने इसमें जब प्रोसेस किया एग्जीक्यूट किया तो हमने इसमें इतना डेटा स्टोर कर दिया तो हमारा जितना भी इसमें स्टोर करा ये इन्होंने केवल एक पेज की बात नहीं की है यहाँ पे टोटल इसके बारे में बात की हुई है ठीक है टोटल किसके बारे में बात की हुई है थर्टी टू बिट की विचुअल मेमोरी के बारे में इसमें बात हुई है ठीक है ना चलिए करते हैं क्वेश्चन इंटरनेट फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ अ प्रोसेस ऑफ द साइज थर्टी टू केबी तो पहले तो हम ये देखेंगे पेज का साइज कितना है एक पेज का साइज हमारे पास है एक पेज का साइज हमारे पास है फोर के बी ठीक है और जो प्रोसेस हो रहा है द प्रोसेस ऑफ द साइज़ थर्टी फोर के बी अब आप कहेंगे मैडम एक पेज का साइज़ फ़ोर के बी है उसमें थर्टी फोर के बी का प्रोसेस कैसे हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम ऐसे पेजेस को इनहेंस करेंगे कितने पेजेस यूज़ हुए कितने पेजेस यूज़ हुए हम क्या करेंगे थर्टी फोर को डिवाइड कर देंगे फोर से तो अब हमें यह पता चल जाएगा कि कितने हमारे पेज यूज़ हो रहे हैं अब थर्टी फोर है थर्टी फोर थर्टी फोर अब उससे तो डिवाइड ही नहीं होता तो आप इसे क्या कहोगे फोर से थोड़ी डिवाइड हो रही है तो आप इसे पॉइंट समथिंग लिखेंगे ना आठ पॉइंट हो जाएगा टोटल तो पॉइंट नहीं लेते ठीक है तो हम एट पेजेस कहेंगे कितने एट पेजेस हमने यहाँ पे यूज कर लिए क्लियर कैसे निकाला फोर 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 ठीक है टू के भी रह रहा है अंडरस्टूड अभी यहाँ पे या तो नाइन पेज लेंगे या एट पेज लेंगे ठीक है तो अभी प्रोसेस जो हो रहा है प्रोसेस ऑफ द साइज कितना हो रहा है थर्टी फोर के बी टू बी एग्जीक्यूट ऑन द मशीन देन वट विल द साइज ऑफ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखिए इन एक्चुअल में नाइन पेजेस हमें लेने चाहिए और जिसमें से हमारे पास कुछ डेटा बचेगा यानी ये देखिए हमने नाइन पे एट पॉइंट फाइव यूज़ हो रहा है टोटल ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखिए ये तो पूरा पूरा यूज़ हो रहा है फ़ोर के भी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ये भी फोर के भी है ये भी ये भी ये भी लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना तो इतना यूज़ हो रहा है टू के भी यूज़ हो रहा है ये टोटल ये हमारा रह रहा है तो ये हमारा क्या है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रुको आंसर ये नहीं है रुक जाओ थोड़ा सा बता <coughs> आंसर कैसे आया वो एक्सप्लेन करना है मुझे ठीक <coughs> है इतना समझ में आ गया तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि पेज साइज अब हम क्या कहेंगे वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना रह गया टू रह गया पर कैसे रहा इसके लिए हम क्या करेंगे मान लो ये तो चलो छोटा था अगर हुज अमाउंट में आता तो आप कैसे निकालते उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है कैसे फॉर्मूला होता है कि 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 आप क्या कहेंगे कि आपने कहा कि जो पेज साइज है उसको आप क्या करेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन निकालने का फॉर्मूला है ठीक है लास्ट पेज जो ये लास्ट पेज है इसका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन निकलेगा ना तो उसके लिए क्या कहेंगे पेज साइज माइनस स्पेस यूज्ड स्पेस यूज्ड स्पेस कैसे यूज किया हमने क्या किया था अभी हमने पेज साइज तो हमें पता है भी। पर जो जो स्पेस स्पेस यूज यूज किया किया है <coughs> किया है सॉरी वो कैसे हमने? या हमने एट लिया क्यों क्योंकि हम इसे कंसीडर नहीं करते पॉइंट को हमने नाइन के भी नहीं लिया अब हम यहाँ पे कहेंगे कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे इंटरनल स्पेस यूज कहेंगे ठीक है स्पेस यूज भी तो लेना है ना हमें यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे थर्टी फोर माइनस एट इंटू फोर केबी क्या क्यों किया हमने क्योंकि हमने क्या किया थर्टी फोर के बी तो हमारा टोटल प्रोसेस था हमें टोटल डेटा चाहिए थर्टी फोर केबी का और माइनस हमने क्या किया एट पेजेस लिए एट पेजेस में कितना डेटा था वो हमने लिया तो थर्टी फोर माइनस थर्टी टू के बी तो हमारे पास अभी भी टू के बी का स्पेस बच रहा है तो हमने जो लास्ट पेज था ठीक है जो लास्ट पेज था उसका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किया हमने कहा कि फोर के बी तो हमें टोटल पेज का हमारा साइज है जो लास्ट लास्ट इस वाले की बात करें उसमें से टू के बी का हमने क्या किया फोर के बी में से 2 का तो यूज कर लिया तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना बचेगा होपफुली <coughs> आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि है क्या देखिए ध्यान से समझिए सबसे पहले हमने हमें ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि एक्चुअल में हुआ क्या है फिर भी हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए हम फॉर्मूले कैसे निकालते हैं यह हमें पता होना चाहिए तो मैं आपको इसे ध्यान से सुनिए एक पेज मैं कलर चेंज करती हूँ ब्लैक ले रही हूँ ये देखिए एक पेज का साइज है फोर के बी टोटल डेटा है थर्टी फोर के बी एक पेज में तो नहीं आएगा तो हमें पेजेस लेने पड़ेंगे हमारे पास कितने पेजेस थे अगर हम वर्चुअल एड्रेस पेज की बात करें तो ट्वेंटी पेजेस थे ट्वेंटी पेजेस थे ना हमने निकाला था तो एक अगर हमारे पास फोर के बी का है तो थर्टी फोर के लिए हमें कितने पेज लेने पड़ेंगे थर्टी फोर लेने हैं ना तो हमें कितने पेजेस लेने पड़ेंगे यहाँ पे हमारा पॉइंट में कंसीडर हुआ था पॉइंट में कंसीडर नहीं करना इंटीजर चाहिए हमें हमने एट पेजेस ले लिए फिर हमने क्या, का? हमने, का हमने क्या कहा हमने कहा कि हमने क्या कहा हमने कहा कि बाइट्स यूज्ड इन लास्ट इनकम्प्लीट यूज्ड पेज ये हमारा लास्ट इनकम्प्लीट यूज पेज अब हमें इसमें से भी तो निकालना है ना कि कितना डेटा हमें यूज करना है एट पेज यहाँ पर था पर अभी भी टू के बी का डेटा बच रहा था वो टू के बी का डेटा हमने यहाँ से निकाला इस फॉर्मूले से कैसे निकाला कि टोटल हमारे पास इतना डेटा था और हमें इतने पेजेस लिए जिसका साइज ये था तो टोटल हमारे पास कितना और डेटा बच रहा है जिसके लिए हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा अब हमने नेक्स्ट पेज लिया और उसमें डेटा एंटर कर दिया कि इतना डेटा हमने यूज़ में ले लिया तो इतना डेटा हमें और चाहिए यानी एक पेज है उस पेज को हमने इतना डेटा और फिल करना है तो ये हमारा ब्लैंक पेज बच गया जो ब्लैंक पेज बच गया इट्स कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अब वो कितना बच गया अब ये कितना लेफ्ट रह गया ये तो बाई चांस था पॉइंट फाइव आया है पॉइंट नाइन आ जाता पॉइंट वन आ जाता तो कैसे कैलकुलेट करते उसके लिए फॉर्मूला था कि टोटल पेज साइज जो था उसमें से जो हमारा यूज हुआ था उसको माइनस कर दिया और आंसर हमारा निकल गया क्लियर समझ में आ गया थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय